तो एडवांस एक्सेल की आज क्लासेस में हम बात करेंगे सिलेक्ट द डेटा। हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा? देखिए, डेटा सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि हम बगैर डेटा को सिलेक्ट किए हुए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए डेटा की सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि डेटा अगर आप सिलेक्ट करेंगे, सही ढंग से सिलेक्ट करेंगे, देन आप जो है इसके आगे कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी करना, पेस्ट करना, पिवट लगाना, रिपोर्ट बनाना, चार्ट बनाना, एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द योर डेटा, सिलेक्ट द डेटा। तो सिलेक्ट द डेटा जो है, इसके बारे में हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर करता हूं और साथ में मैं आपको यहां पे एक्सेल फाइल लेता हूं। मेरे पास कुछ डेटा है, तो हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा? तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए कीजिए। कंट्रोल ए करते ही पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। जी हाँ, जस्ट कंट्रोल ए पहला चीज। बट कंट्रोल ए करेंगे शॉर्टकट से। बट मान लीजिए कंट्रोल ए में दिक्कत होता है कि अगर पूरी की पूरी अगर रो कॉलम या रो ब्लैंक है, तो कंट्रोल ए जो है इसी के पास में आ जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, दो बार कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल ए को समझने के लिए समझिए कि कंट्रोल ए है किस ऑप्शन। तो जो कंट्रोल ए है, एफ आपका आता है फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेशल में आपका ये आता है करेंट रीजन। जी हाँ, इसी कारण से वो सिर्फ जो सीरीजबल डेटा है उसी को सिलेक्ट करता है, उसके नीचे ये सिलेक्शन नहीं करता। अगर आप इस केस में माउस सिलेक्शन के लिए आपको पूरा इस तरह से माउस होल्ड क्लिक करते हुए होल्ड करते हुए नीचे लेके आना पड़ेगा, या फिर आपको शिफ्ट प्रेस करके साइड तक जाना पड़ेगा और नीचे तक आना पड़ेगा। अगर माउस से कर ही रहे हैं तो आप ऊपर क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर सेलेक्ट कीजिए और नीचे लास्ट तक सिलेक्ट कीजिए, अपने आप पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा चीज है, हम बराबर इसी का यूज करते हैं कि वो हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया और माउस से नीचे गए और लास्ट पे क्लिक कर दिया, ये आपका डेटा सिलेक्ट, ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है कर्सर को मूव करने की। जैसे कि अगर मैं इसी डेटा को कई बार कॉपी पेस्ट नीचे कर दूं, तो मुझे कर्सर को सबसे नीचे स्क्रॉल तो करता हूं, लेकिन कर्सर को मुझे नीचे लेके जाना है कीबोर्ड से। तो इसके लिए आपको यहां पे ऊपर में आइए और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, जस्ट कंट्रोल के साथ आप अपना डाउन एरो प्रेस कीजिए, ये सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अगर राइट एरो करते हैं, अप करते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो इस तरह से कर्सर को मूव होता है। ये होता क्या है, जैसे हमने कंट्रोल के साथ डाउन किया तो एक क्या फील है, तो जहां तक फील है वहां तक जाएगा, फिर रुक जाएगा यहां, और फिर दोबारा आपने चला दिया तो इसके नीचे क्या है, ब्लैंक है। तो जहां तक ब्लैंक है तहां तक आपको चलेगा सर, इस तरह से होता है। लेकिन अगर मान लीजिए डेटा को बीच में कहीं एक दो जगह पे ब्लैंक है, तो फिर इसको सबसे लास्ट में जाने में दिक्कत होगी, तो आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से लाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे इन केस में मुझे सबसे लास्ट में जाना है, और ऐसे बहुत सारे ब्लैंक है, ध्यान रखिएगा सर, मुझे सबसे लास्ट में जाना है और ऐसे बहुत सारे ब्लैंक है, तो हम कैसे जाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां नेम बॉक्स दिख रहा है, इस नेम बॉक्स में लिखूंगा A65000 और हम एंटर प्रेस कर देंगे, या A10 लाख या 5 लाख या 2 लाख, जो भी डेटा मैक्सिमम डेटा के अकॉर्डिंग, और फिर आप कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कर, कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कर दीजिए। ये आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, यहां देखिए, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कंट्रोल के साथ कर्सर ही जाना, आपको सिलेक्शन भी साथ साथ करना है, तो यहां कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो एंड डाउन एरो, इस तरह से नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन वो सर बोलते हैं, जब मेरे पास कंट्रोल ए है फिर मैं क्यों ऐसा करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन क्यों करूंगा? तो
इसके पीछे रीजन ही है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कुछ फालतू डेटा लिखा हुआ है, तो कंट्रोल ए उसको भी सिलेक्ट कर लेगा क्योंकि वो सिक्वेंसली चलता है। तो बोले सर आपने बोला था कि ब्लैंक रो होने पे नहीं लेता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि अगर पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो फिर ये कंट्रोल ए जो है आपका यहीं तक लेता है, इससे आगे नहीं लेता है। तो मैंने बोला था पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तब, पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो। लेकिन इसमें अगर बीच में कहीं डेटा आ गया, बीच में अगर मान लीजिए कोई डेटा आ जाता है, जैसे यहां पे डेटा आ गया, यहां पे डेटा आ गया, फिर कंट्रोल ए कहां रह जाएगा, पूरा सिलेक्ट कर लेगा। इसी ध्यान रखिएगा कि पूरा ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में जब यहां पे इस तरह का होगा तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन में आते हैं। अब चलिए और बात करते हैं आगे। जैसे मुझे यहाँ पे मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना है, मैं मान लीजिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके जहां जहां आप क्लिक कर रहे हैं आपका डेटा सिलेक्ट हो रहा है। बट इसको जब फॉर्मेटिंग और बाकी चीजें कर सकते, इसको कॉपी नहीं कर सकते आप। कॉपी करेंगे तो यहां देखिएगा कि दिस एक्शन डोंट वर्क ऑन मल्टीपल सिलेक्शन। बट कॉपी करेंगे क्या, कैसे करेंगे, तो सिक्वेंस होता है। जैसे आपने एबीसी लिया है ऊपर और नीचे आपको भी आपको एबीसी लेना पड़ेगा, तब आप कॉपी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए मैंने ऊपर में ए सी एफ एच जे ले लिया, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नीचे फोर पे सिर्फ ए फोर ले लिया तो फिर यहाँ कॉपी नहीं कर सकता। अगर मैं नीचे लिया तो मुझे सारा लेना पड़ेगा, यहाँ पे ई पे भी, एफ पे भी, एच पे भी और जे पे भी। अब मैं इसको कॉपी कर सकता, लेकिन मैंने गलती से मान लीजिए के को सिलेक्ट कर लिया या कोई और सिलेक्ट कर लिया तो फिर वो कॉपी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग है, बट कॉपी करके जहां मैं पेस्ट करूंगा वहां सिक्वेंस जाता है। शायद इसी कारण कारण है जो कि मल्टीपल सेल्स सिलेक्शन करने के लिए सीरीज की जरूरत पड़ती है। तो प्रशांत जी समझ में आ रहा है आपको, डाउट तो नहीं है सर? नहीं नहीं चलिए अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, इसमें अगला ऑप्शन आता है। अब इसमें अगला ऑप्शन एक आता है यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में। तो सिलेक्शन मेथड आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, इसमें एक टॉपिक रह गई है मल्टीपल शीट सिलेक्ट करने। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल है, एक फाइल में बहुत सारे शीट्स है, आपको सारे शीट्स के किसी एक लोकेशन पे कुछ लिखना है, तो आप पहले शीट पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले शीट पे क्लिक कीजिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे डेट लिख दिया और यहाँ पे डेट डाल दिया, तो ए फोर एंड बी फोर आप देखेंगे हर शीट के ए फोर और बी फोर में डेट डल गई। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं पहले शीट पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट को प्रेस करूंगा, लास्ट वाले शीट पे प्रेस क्लिक, सारे शीट सिलेक्टेड है, ऊपर में ग्रुप आपका लिखा हुआ है। ओके, पहले पहले चीज। अब दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि मुझे सारे शीट नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टेड शीट चाहिए, तो शिफ्ट के जगह पे आप कंट्रोल प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट के जगह पे आप कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे शॉर्टकट्स की। शॉर्टकट्स, तो शॉर्टकट्स की बात हम कर रहे हैं इस क्लासेस में। ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस में प्रशांत जी हैं, प्रशांत के साथ हम बात करेंगे शॉर्टकट्स। और सबसे पहले जानिए, शॉर्टकट से पहले हमें पता करना होगा हेल्प के बारे में, हमारा एक्सेल का हेल्प क्या है। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कुछ लेते हैं तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, एक्सेल के साथ भी यूजर मैनुअल आता है।
जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई, मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मान लीजिए कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भूल गए, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भूल गए, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज की जरूरत है, थोड़ी सी अगर पता चल जाएगी आपको तो आपको पता आइडिया लग जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। जस्ट इस पे कर्सर रखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन दिखेगा, इससे समझ में नहीं आया तो टेल मी मोर पे क्लिक करें, आपको यहाँ एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी डिटेल हो। अब बोलेंगे सर एक्सेल हेल्प क्यों दिखा रहे हैं, देखिए जब हमें प्रॉब्लम होती है या किसी ऑप्शन के बारे में जानना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं एक्सेल गूगल पे, सॉरी गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, वहां पता चलता है। लेकिन गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? इसके पीछे रीजन ए होता है, गूगल पे हम जैसे आदर्श लोग अपने आर्टिकल में अपने वेबसाइट में डालते हैं, इसका कोई प्रूफ रीड नहीं होता है। बट माइक्रोसॉफ्ट ने डाला है तो माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से प्रूफ रीड करके डाला होगा, इसलिए कुछ अगर सर्च करना है तो पहले आप एक्सेल हेल्प में सर्च करें, अगर वहां से समझ में नहीं आता या फिर आपको वहां से अपने जो जो चीज चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको नहीं मिलती है, आफ्टर देन आप किसी और फीचर्स के ऊपर जाए। अब बात करते हैं इसमें शॉर्टकट्स की। अब शॉर्टकट्स क्या होता है, किसी भी ऑप्शन को हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक पहला हम उसके ऊपर जो उसका ऑप्शन है उसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा तो शॉर्टकट, जैसे कि इसका शॉर्टकट कंट्रोल सी है तो मैं कंट्रोल सी कर लिया। बट शॉर्टकट से बेनिफिट क्या होता है, देखिए शॉर्टकट से बेनिफिट ये होता है कि आपका स्पीड बढ़ जाता है। जी हाँ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा पाया गया है कि आप सारा काम अगर कीबोर्ड से करते हैं, माउस का यूज नहीं करते हैं, तो माउस की अपेक्षा आपका 30% का स्पीड बढ़ जाता है। मैं भी इस बात से एग्री। तो कैसे पता चलेगा शॉर्टकट्स? तो शॉर्टकट्स पता करने के लिए जस्ट दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसके ऊपर कर्सर ले जाए, जैसे आप कर्सर ले जाएंगे उसका शॉर्टकट आपको पता चल जाएगा। बट ये तो कभी लंबी हुआ, मुझे एक लिस्ट चाहिए जो कि मैं सामने में डेस्क पे लगा दूंगा और उसमें से देख देख के काम करूंगा। तो इस लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सेल हेल्प। जी हाँ, यहाँ एक्सेल हेल्प दिख रहा है, एक्सेल हेल्प पे जाइए या ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा सर्च में टेल मी मोर, उस पर जाइए और सर्च कीजिए शॉर्टकट। यहाँ आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्शन, क्लिक, और यहाँ पे सारे एक्सेल के शॉर्टकट्स अवेलेबल है। अब इसका प्रिंटआउट निकाल लें, इसको कॉपी कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शॉर्टकट्स, क्योंकि मुझे काफी वीडियोस पे कमेंट मिले हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा शॉर्टकट लिस्ट। तो करने का मतलब है कि मैं आपको पीडीएफ में डाल दूं या वर्ड में डाल दूं तो वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक्सेल हेल्प से निकालना सीख लेते हैं तो आपके पास शॉर्टकट का लिस्ट हमेशा रहेगा। अब शॉर्टकट का यूज कैसे करें, देखिए शॉर्टकट ऐसा नहीं कि इसको आप संस्कृत की श्लोक की तरह रट्टा मार गए और उसको कपूर गौरण करना वतरण शुरू कर दिए, नहीं, इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको एंटर प्रेस करना होता है तो आपका दिमाग कीवर्ड को नहीं देखता है, आपका उंगली ऑटोमेटिक चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कीबोर्ड पे एंटर का लोकेशन आपका दिमाग और आपके हाथ के ऊपर उंगली के ऊपर तालमेल बैठा हुआ है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसी तरीके से बाकी ऑप्शंस भी यूज करोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे यूज करें, तो देखिए ऑफिस में अगर आपके पास घंटे दो घंटे का ऐसा टाइम होगा जिसमें आपके पास काम बहुत कम होगा या काम होगा तो उसका कोई डेडलाइन नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में टाइम लगेगा। शुरुआत में ऐसा नहीं कि आप तुरंत खटाखट 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 कर देंगे, नहीं, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा। ओके, तो शुरुआत में आपको टाइम लगेगा इसलिए आपको धीरे धीरे करना होगा। दूसरी चीज, हर एक चीज की शॉर्टकट से वर्क नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं या है तो याद नहीं,
तो अपना कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करें। जैसे कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे आप ऊपर देखिए मेनू बार में सारे मेनू बार हमारा एक्टिवेट होगा। अब मुझे से होम मेनू में जाना है तो एच को प्रेस करूंगा तो एच होम मेनू बार के सारे ऑप्शंस हाईलाइटेड हो गए। बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर। तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद हो जाएगा ऑल्ट बी, सॉरी ऑल्ट बी नहीं, ऑल्ट एच पी ए। ऐसे और भी सारे कमांड आपको दिख जाएंगे, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट्स के बाद अगली जो टॉपिक आएगी लिमिटेशंस की टॉपिक आएगी। लिमिटेशंस लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लिमिटेशंस मतलब कि मुझे हर एक ऑप्शन के लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए, किस ऑप्शन का क्या लिमिट है। तो उसको पता करने का सिंपल तरीका वही है, हेल्प में जाइए या फिर टेल मी मोर पे आइए और सर्च कीजिए लिमिट, लिमिट्स या गेट एन रिजल्ट गेट ऑन हेल्प लिमिट का, इस पर क्लिक कीजिए एक्सेम्प्लीफिकेशन एंड लिमिट। लिमिट्स की जो होगा जाता है कि इसको पता होना चाहिए किस ऑप्शन का क्या लिमिटेशन है, जैसे कि कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, रो है, कॉलम विड्थ क्या है, कॉलम की हाइट क्या है, पेज ब्रेक क्या है, ये चीज। अब इस चीजों को ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम कोई देना है, इस चीज को आप इसको पढ़ेंगे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं अपने काम में यूज करना चाहते हैं फिर भी पता होना चाहिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो प्रोग्रामिंग की मदद से आपको डेटा डाल लें, आपको एक बड़ा सा कॉलम चाहिए, तो आप VBA में कोड लिखेंगे कि रेंज DYD डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू 500, बट इसकी करेक्टर की लिमिट तो 255 है, तो 500 करेंगे तो एरर देगा। आप देखो अभी कोड तो सही लिखा, एरर क्यों दे रहा है। उस समय आपको पता होगा कि वो लिमिटेशंस में दिक्कत हो सकती है, तो आप एक बार लिमिटेशन को चेक कर लो। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो मैंने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला वर्क कर रहा था, जैसे उसमें कंडीशन ऐड कर रहा था तो वर्क नहीं कर रहा था, कंडीशन डिलीट कर देता तो वर्क नहीं करता था, बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया था। तो फॉर्मूला डिपेंड करता है कि एक सेल के अंदर आपका 32,767 करेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर इससे ऊपर है तो प्रॉब्लम है। तो उस केस में जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें कितने नेस्टेड इफ लगा सकते हैं या कितना और लगा सकते हैं और मैं कंडीशन दे सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशन डिफाइन नहीं है, बस जो आप टाइप करते हैं, यहाँ टाइप किया तो कितने करेक्टर हो गया 3 to 5, 6 करेक्टर, ऐसे 32,000 करेक्टर पूछ जाएगा तो समझिए आपका फॉर्मूला वर्क करना बंद कर देगा, ये लिमिटेशन थी। समझे सर? तो आज जो मैंने पढ़ा आज शॉर्टकट के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप जो है लिमिटेशंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थोड़ी सी आप जो है शॉर्टकट के लिमिटेशंस को भी स्टडी कर लीजिएगा सर। कल की क्लास में हम फाइल मेनू बार के हिसाब से पढ़ेंगे, शुरुआत है आपकी तो शुरू में ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि उसको ऑब्जॉर्व कर पाए आप, फिर धीरे धीरे हम टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे सर।